तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन ग्रुप में। दोस्तों, दी 100 वुमेन्स कंपटीशन 2024 के लीग स्टेज के मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब देखिए 17 अगस्त यानी कि सैटरडे के दिन, आज ही के दिन एलिमिनेटर मैच खेला जाना है ओवल इनविंसिबल वुमेन्स और लंडन स्प्रिट वुमेन्स के बीच में। कैनिंगटन ओवल लंडन में ये मुकाबला खेला जाएगा 17 अगस्त को शाम 7:45 यानी कि 6:45 पर। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसी एलिमिनेटर मुकाबले को लेकर, क्योंकि फाइनल मुकाबला देखिए 18 अगस्त को खेला जाएगा। वेल्स फायर की टीम जो है वो फाइनल्स में पहुंच चुकी है, लेकिन अब एलिमिनेटर मैच में ये तय हो जाएगा कि आखिर वेल्स फायर की टीम के साथ एलिमिनेटर मुकाबले में कौन सी टीम, फाइनल मुकाबले में वेल्स फायर के साथ कौन सी टीम भिड़ती हुई नजर आएगी और कौन सी टीम इस सीजन को जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करेगी। तो चलिए आज के इस मैच प्रीव्यू की शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। तो देखिए, कैनिंगटन ओवल लंदन में टोटल मैचेस खेले गए हैं 17, जिसमें से 2 मुकाबलों का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। 8 मुकाबले यहां पर जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, तो वहीं 7 मुकाबले यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 115 का। लोएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है ओवल वुमेन्स की टीम ने 64 का, तो वहीं हाईएस्ट स्कोर भी ओवल इनविंसिबल की टीम ने दर्ज किया है 155 का। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो स्कोर बिलो 100 बना है 2 टाइम्स, 101 और 120 के बीच बना है 7 बार, 121 और 140 के बीच का स्कोर बना है 2 बार, तो वहीं 141 और 160 के बीच का स्कोर बना है 5 बार। अब दोस्तों, अगर यहां पर देखिए इस पिच पर, अभी तो हमने आपको बताया कि 17 मैचेस खेले गए हैं, लेकिन अगर इस सीजन की बात की जाए यानी कि दी 100 वुमेन्स कॉम्पिटिशन 2024 की, तो इस सीजन यहां पर 4 मुकाबले खेले गए हैं। अब 4 मुकाबलों में बॉलर्स की परफॉर्मेंस क्या रही है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, 4 मैचेस में टोटल विकेट छटकाए गए हैं 40, जिसमें से 19 विकेट लिए हैं पेसर्स ने, तो वहीं 21 विकेट यहां पर स्पिनर्स के खाते में जुड़ते हुए नजर आए हैं। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो 7 बार ओवल और लंदन की टीम का आमना सामना हो चुका है, जिसमें से 1 मुकाबले का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। ओवल इनविंसिबल की टीम ने जीते हैं 4 मुकाबले और लंदन स्प्रिट की टीम ने 1 मुकाबले में जीत दर्ज की है। अब ऐसे में देखिए, ओवल इनविंसिबल की टीम यहां पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है हेड टू हेड कंपैरिजन को देखते हुए, तो ओवल इनविंसिबल वुमेन्स की टीम कहीं ना कहीं फाइनल्स के थोड़ा सा करीब है। साथ ही अगर इस सीजन की बात की जाए तो ओवल की टीम ने देखिए 8 मैचेस खेलते हुए 5 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं 2 मुकाबले हारे थे, और लंदन स्प्रिट की टीम ने 8 मुकाबले खेलते हुए 4 मुकाबले जीते हैं, साथ ही 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में ओवल की जो टीम है वो इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जाना जरूर चाहेगी। तो किन 11 खिलाड़ियों को यहां पर मौका मिल सकता है खेलने का प्लेइंग 11 में, चलिए उनके नाम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहां पर लॉरेन विनफील्ड हील, चमारी अतापतु, एलिस कैप्सी, मेरिजाने कैप, पेज स्कॉटफील्ड, मैडी विलियर्स, अमांडा जेड वेलिंगटन, जोआने गार्टनर, रियाना मैकडोनल्ड, सोफी स्मेल और रेचल स्लेटर। तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगी जो कि ओवल इनविंसिबल वुमेन्स की प्लेइंग 11 में हमें नजर आ सकती हैं। बात करें यहाँ पर की प्लेयर्स के बारे में, तो एलिस कैप्सी का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 192 रन बनाए हैं 8 मुकाबले खेलते हुए 123.87 के स्ट्राइक रेट से। पेज स्कॉटफील्ड की अगर बात करें तो 8 मैचेस में उन्होंने 185 यानी कि 185 रन स्कोर किए हैं 141.22 के स्ट्राइक रेट से। मेरिजाने कैप ने 8 मैचेस में 181 रन बनाए हैं 141.40 के स्ट्राइक रेट से, साथ ही उन्होंने गेंदबाज करते हुए 10 विकेट भी अपने खाते में जोड़े हैं। इनके अलावा गेंदबाजों की बात करें तो देखिए, सोफी स्मेल है जिन्होंने 8 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं, अमांडा जेड वेलिंगटन ने 8 मैचेस में 9 विकेट, तो वहीं आखिरी नाम है रियाना मैकडोनल्ड ये का, जिन्होंने 8 मैचेस में 8 विकेट अपने नाम किए हैं। तो ये बात हो गई ओवल इनविंसिबल के की प्लेयर्स के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के यहां पर बात करते हैं लंदन स्प्रिट वुमेन्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखिए, यहां पर जो 11 खिलाड़ी शामिल रह सकते हैं उनके नाम है मैग लेनिंग, जॉर्जिया रेडमाइने, हेदर नाइट, डेनियल गिब्सन, दीप्ति शर्मा, कॉर्डेलिया ग्रिफ्थ, एबिगेल फ्रीबॉन, चार्लोट डीन, ईवा ग्रे, सारा ग्लेन और तारा नोरिस। तो ये 11 खिलाड़ी हमें लंदन स्प्रिट वुमेन्स की प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। साथ ही बात करें अगर लंदन की प्लेयर्स के बारे में, तो देखिए, हेदर नाइट का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेलते हुए 211 रन स्कोर किए हैं 135.25 के स्ट्राइक रेट से। दीप्ति शर्मा ने 6 मैचेस में 196 रन बनाए हैं, साथ ही गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट भी उन्होंने अपने खाते में जोड़े हैं। मैग लेनिंग की अगर बात करें तो 8 मैचेस में वो अभी तक 144 रन बना चुकी हैं। सारा ग्लेन देखिए, गेंदबाजी करते हुए 8 मैचेस में 9 विकेट चटका चुकी हैं, साथ ही आखिरी नाम है यहां पर
डेनियल गिब्सन का, जिन्होंने 8 मुकाबलों में 6 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं। तो ये हो गई लंदन स्पिट की वो खिलाड़ी जो कि इस मैच में अच्छे प्रदर्शन के साथ अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकती हैं। फाइनली देखिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, क्योंकि यहां पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि शाम का ही मुकाबला है दोस्तों। तो देखिए इस मैच में जो टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है स्टैट्स को देखते हुए या पुराने स्टैट्स को देखते हुए, तो वो होगी ओवल इनविंसिबल की टीम, यानी कि यहां पर 70% चांसेस ओवल इनविंसिबल वुमेन्स की टीम की जीत के नजर आ रहे हैं, यानी कि इस मुकाबले को जीतकर, इस एलिमिनेटर मैच को जीतकर ओवल की टीम जो है वो फाइनल मुकाबले में वेल्स फायर के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आएगी। और 30% चांसेस यहां पर अभी भी लंदन स्प्लिट के नजर आ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 में लंदन की टीम पहुंच चुकी है, तो ऐसे में लंदन की टीम भी इस मुकाबले को कभी भी पलटने का दम रखती है। तो दोस्तों यहां पर कंक्लूजन आपको बता दिया है, अब आपके हिसाब से कौन सी टीम होगी जो कि फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में वेल्स फायर के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।